एमपी बोर्ड के समस्त छात्रों का स्वागत है एनके एजुकेशन में। दोस्तों, एमपी बोर्ड रिजल्ट 2020 को लेकर समय समय पर बहुत ही ज़्यादा अपडेट चल रही थी, लेकिन मैं आपको 10th एमपी बोर्ड 2020 रिजल्ट की एक कंफर्म डेट बता दूंगा। आपका डेट कंफर्म उतने बजकर उतने मिनट तक आपको अवेलेबल हो जाएगा। मैं आपको फिक्स डेट एंड टाइम बता दूंगा, क्योंकि एनके एजुकेशन का यह दावा है अगर उस टाइम को आपका रिजल्ट नहीं आया तो इन फ्यूचर में आपको पे वीडियो कभी भी अवेलेबल नहीं करवाऊंगा या फिर मैं YouTube छोड़ दूंगा। तो इतना मेरा एनके एजुकेशन का चैलेंज है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, दरअसल आपको पता है कि लॉकडाउन के चलते आपकी कुछ परीक्षा है वो स्थगित हो चुकी थी। अब आप सभी विद्यार्थियों को इंतजार है वो आपके रिजल्ट का है। पहले खबर में थी, अफवाह में थी कि 15 जून को एमपी बोर्ड 10th का रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा, लेकिन किसी कारणवश 15 जून को नहीं आया था। फिर एक डेट आई थी कि 19 जून 2020 को रिजल्ट आपका आ जाएगा, लेकिन आज हो चुकी है 20 जून। 20 जून तक आपका रिजल्ट नहीं आया है। तो मैं आपको 100% श्योर एंड सक्सेस ये डेट बता रहा हूँ, इस डेट को आपका रिजल्ट 110% आ जाएगा। उससे पहले दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें डाउटनेट के साथ। यहाँ पर आपको राकेश यादव और आरएस अग्रवाल की सारी बुक वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगी। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अटकते हो तो आपको क्वेश्चन की पिक्चर क्लिक करके क्रॉप करके डाउटनेट पर सेंड कर देना, 2 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन आंसर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों, ये रही आपकी टाइम, 22 जून को आपका रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको प्रूफ भी बताऊंगा, उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर लो। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि इसके बारे में हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं हुई है, हालांकि सूत्रों की माने तो आपका रिजल्ट है वो 22 जून तक आ जाएगा। मैंने आप लोगों के बहुत सारे कमेंट पढ़े और एक दो न्यूज चैनल भी देखे, तो उन्होंने ये चीज स्पष्ट की है कि किसी भी हालत में आपका रिजल्ट है वो 22 जून 2020 को रिजल्ट जारी करने की पूरी तैयारी है। आपका रिजल्ट 3 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में उपलब्ध हो जाएगा। अगर यह खबर अच्छी लगी हो या रिजल्ट देखना चाहते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, मैं आप तक हर अपडेट पहुंचाता रहूंगा।